हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WCC2 क्रिकेट गेम के कुछ ट्रिक्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, प्ले स्टोर पर इसके 10 मिलियन डाउनलोड है और काफ़ी पॉपुलर गेम है ये क्रिकेट का। तो WCC2 2018 की ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। विकेट के लिए आप विकेट कैसे ले सकते हैं, बैक टू बैक 10 विकेट्स आप ले सकते हैं, जिस तरह ये मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ बैक टू बैक 10 विकेट्स। और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन गेन कर सकते हैं और सामने वाली टीम को आप बिल्कुल कम रनों से हरा के ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन गेन कर सकते हैं। और काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है। तो पहले तो वीडियो को कर दो लाइक, नहीं किया है तो, और वीडियो को एंड तक देखते रहना। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दो। जाना ऐसी नई वीडियो लेके मैं आता रहता हूँ आपके लिए। अभी तो वीडियो काफ़ी महीनों के बाद आई है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो सिंपली वीडियो को देखते रहें आप और देखना। और आपको इस ट्रिक को चलाने के लिए सिर्फ राइट एंड लेफ्ट स्पिन बॉलर की ज़रूरत है, ताकि उसमें आसानी रहे विकेट लेने में। और आपको जैसे ही अब बॉल डिलीवरी होती है तो आपको बिल्कुल ये ब्लू रहे निशान आपको स्टंप के पीछे रखना है और ये नोटिफिकेशन बार उतार देना है, जिससे कि विकेट गिर जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ जैसे अपन बोल्ट डिलीवरी करते हैं तो वो नोटिफिकेशन बार जैसे ही नीचे उतारते हैं तो सिंपली कुछ प्रोसेस कम हो जाती है, जिससे बैट्समैन कुछ भी नहीं कर पाता है उसकी जगह पे और वो विकेट यानी आउट हो जाता है, इस तरह इस वीडियो में हो रहा है। तो काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है ये, और ये अपने दोस्तों को बताने के लिए इस वीडियो को कर दो शेयर अभी, और कमेंट करके बता देना मुझे वीडियो कैसी लगी आपको और कैसी ट्रिक है ये। और इस तरह आप बैक टू बैक 10 विकेट्स ले सकते हैं जिस तरह मैं ले रहा हूँ। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वो ब्लू निशान को स्टेम के बीच में रखना है, बैट्समैन के बिल्कुल पैर के यहाँ पे स्टेम के बीच में, और नोटिफिकेशन बार को उतार देना है बॉल डालते ही। तो इससे क्या होगा, विकेट चला जाएगा और ये इससे मोर से मोर कॉइन भी गेन कर सकते हैं आप। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।